कैथल जिले का केलरम गांव खुद पर गर्व कर रहा है। इस गर्व की वजह है कृषि के क्षेत्र में हर्बल कीटनाशकों के उत्पादन में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले ईश्वर कुंडू, एक साधारण सा 10वीं पास किसान जिसने किया है बड़ा कमाल, और उसी का सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति भवन से ईश्वर कुंडू को बुलावा आया है। स्वतंत्रता दिवस पर एट होम कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता पाकर न सिर्फ ईश्वर कुंडू बल्कि पूरे कैथल के किसानों के साथ साथ राज्य भर के किसान गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कोई तैयारी को खास करने की जरूरत भी नहीं है, हम तो तैयारी बैठे रहते हैं 24 घंटे। दिल से आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति जी का और राष्ट्रपति के भवन के जो स्वागत विभाग के सभी अधिकारियों का कि उन्होंने एक आम आदमी को, मैं हूँ और भी हो सकते हैं, एक आम आदमी को राष्ट्रपति जी के एक घरेलू कार्यक्रम में बुलाने के लिए हमको इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है। केवल 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले ईश्वर कुंडू ने हर्बल कीटनाशक के उत्पादन में वो काम कर दिखाया जो कि एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक से भी संभव न हो सके। साल 2000 में औषधीय पौधों पर रिसर्च शुरू की और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद कमाल के नाम से फॉर्मूला ईजाद किया। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और गुजरात के किसान भी इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। फसलों को बीमारियों से बचाने और बीज उपचार के लिए कमाल केसरी और भूमि सुधार के लिए कमाल क्लैंप भी ईजाद की ईश्वर कुंडू ने। तो ऑर्गेनिक मैटर है जमीन का बिल्कुल खत्म हो गया, तो जमीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी यानी प्राकृतिक रूप से जमीन का जो निर्माण चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बंद हो गई। तो हमने सोचा उसको दोबारा कैसे हमने शुरू किया जाए, तो 2-3 साल हमके लगे, एक प्रोडक्ट बना कमाल क्लैंप, उसका नाम दिया कमाल, तो लोगों ने रख ही दिया था उसका। तो यानी कि जमीन को सुधारो, हमने जमीन के ऊपर काम किया है अभी, जमीन के अंदर अगर हमने अपनी ताकत पैदा कर दी, कीड़ों से बीमारियों से लड़ने की पौधे में ताकत आ गई, तो हमको जहर की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीका है अपने पास। धीरे धीरे ईश्वर कुंडू का फॉर्मूला कमाल करने लगा और इसका उपयोग राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में भी होने लगा। देश में कई पुरस्कार और सम्मान हासिल कर चुके ईश्वर कुंडू विदेशों में भी नाम कमा चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर इतिहास रचने वाले इस वैज्ञानिक का कहना है कि अभी और काम बाकी है। कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज के लिए।